शुक्रवार को हरियाणा के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी। पीएम मोदी ने पहले तो गोहाना में रैली की, फिर हिसार में दहाड़ लगाई। नरेंद्र मोदी ने हिसार में मंच से कहा कि हरियाणा की जनता इस बार चुनावी समीकरणों को तोड़कर नया कीर्तिमान रचेगी। कांग्रेस पे वार करते हुए कहा कि ये लोग थके हारे हुए लोग हैं, ये आपकी नाव कैसे पार कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोहाना में पार्टी प्रत्याशी के हक में प्रचार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अखाड़ा चाहे कुश्ती का हो या फिर सीमा पर खड़े होने का, हरियाणा का नौजवान हमेशा तैयार रहता है। उन्होंने कहा कि क्या देश हित में हमें फैसला नहीं लेना चाहिए। हरियाणा की भावना को कांग्रेस और उसके दल समझ नहीं पा रहे हैं। आपने लोकसभा चुनाव में बड़े बड़ों का अहंकार मिट्टी में मिला दिया। जिनको भ्रम था कि सोनीपत, रोहतक, जींद समेत इस पूरे क्षेत्र के मालिक है, उनको आप सभी ने, जनता जनार्दन ने अपना फैसला सुना दिया। सार्वजनिक जीवन में जीने वालों के लिए हरियाणा की जनता ने बहुत बड़ा सबक सुनाया है। पीएम मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात करने पर कांग्रेस का पेट दर्द बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से सवाल पूछा और कहा कि पाकिस्तान के साथ कांग्रेस की कौन सी केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री किसके लिए है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को हरियाणा की उन माताओं बेटियों की संवेदना का बिल्कुल ख्याल नहीं जिन्होंने अपने सपूतों को, पिता को मां धरती के लिए शहीद होते हुए देखा है। कारनामे करने की उनकी परंपरा से वो कभी बाज नहीं आए। भाई, बीते 5 वर्ष में हरियाणा देश को बदलने वाली, देश में परिवर्तन की लहर पैदा करने वाली योजनाओं का साक्षी रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के खेत पर भ्रष्टाचार की फसल उगाई और खेल में इन्होंने घोटालों की उपज काटी है। कांग्रेस के राज में खेल और खिलाड़ियों की स्थिति क्या थी, इससे सभी अच्छे से वाकिफ हैं। जाती थी, माता के गर्भ में बेटियों को मौत के घाट उतार दिया जाता था, लेकिन वही मेरे हरियाणा के भाइयों बहनों ने बेटी बचाने का बीड़ा उठा लिया। वही मां बाप ने मां भारती के सपनों को पूरा करने के लिए बेटियों की को बचाना, बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को बढ़ाना, भाइयों बहनों वही हरियाणा इतना बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि सही नेतृत्व, सही दिशा, सही सरकार मिलती है तो हरियाणा के लोग अच्छे काम के लिए कंधा से कंधा मिलाकर के चलने वाले लोग हैं। भाई, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी हरियाणा में स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ रैलियां करा रही है। नरेंद्र मोदी की रैली से बीजेपी सियासी फिजा को अपनी तरफ मोड़ना चाहती है, मगर नरेंद्र मोदी की रैली से माहौल तो गर्मा गया है। अब मोदी की रैली से कितने प्रत्याशियों की नैया पार होगी, ये 24 अक्टूबर के नतीजों से ही साफ हो पाएगा। पॉलिटिकल डेस्क, खबरें अभी तक।